दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। दोस्तों जो मैं सच्चाई बताने जा रही हूँ ना, आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। दोस्तों आप सभी को स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आप सभी से एक मैं सवाल कर रही हूँ कि सोनू का शादी का 14 साल हो गया है और हमेशा दूसरी पत्नी ही क्यों दोषी पाई जाती है, उसी को क्यों गलत बोला जाता है, पहली पत्नी को गलत क्यों नहीं बोलते हैं लोग? तो आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे। पहली पत्नी को अगर गलती नहीं होती तो क्या पति दूसरे जगह मुंह मारने जाता, क्या पति दूसरे से अफेयर चलाता अगर पहली पत्नी को गलती नहीं होती तो? और दोस्तों एक बात और ध्यान से सोचिए कि पिंकी बोली थी कि विकास जी हमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, हम दोनों अलग हो जाएंगे तो ना मैं इनके बिना जी पाऊंगी और ना ही विकास जी मेरे बिना जी पाएंगे। पिंकी ये नोट करिएगा ये वाला पॉइंट को कि पिंकी ने वीडियो में ये बोली थी जब कंट्रोवर्सी क्रिएट किया फर्स्ट वीडियो में तलाक को लेकर, तो इसमें इसने एक पॉइंट बोली थी कि विकास जी और हम एक दूसरे से हम दोनों बहुत प्यार करते हैं, अगर वो अलग करती है तो ना हम विकास जी के बिना रह पाऊंगी और ना विकास जी मेरे बिना रह पाएंगे। तो ऐसा कौन सा मोड़ आ गया कि विकास जी भी डिवोर्स लेने के लिए तैयार हो गए? आपने कभी सोचा? आपने सिर्फ बस जो बताया जा रहा है उस बात को आप गौर करते आ रहे हैं, सिर्फ पिंकी को ही गलत ठहराया जा रहा है, लोग समाज हर कोई दूसरी पत्नी को ही गलत बोलता है मगर पहली पत्नी को कोई गलत नहीं बोलता। दोस्तों कहीं कोई ऐसा राज तो नहीं है जो सोनू जानती है विकास जी के बारे में, मिस्टर विकास के बारे में? कोई ऐसा राज तो नहीं छुपा हुआ है कि उसको धमकी देकर उस चीज़ को मुद्दा बनाया जा रहा है या मोहरा बनाया जा रहा है? विकास जी का कोई पुराना चिट्ठा तो नहीं है जिसके थ्रू सोनू अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करती है? दोस्तों आपने कभी सोचा है कि सोनू और पिंकी दोनों से शादी किए हैं विकास जी, और शादी का 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल नहीं, सीधे 14 साल हो गए, 14 साल 15 साल। तो अगर सोनू को पहले पिंकी से इतराज था या दिक्कत थी तो 14 साल पीछे भी, पहले भी स्टार्टिंग में जब विकास जी शादी किए थे सोनू को पता चला था तो उस टाइम भी वो केस कर सकती थी, अपना हक ले सकती थी, उस टाइम भी अपने लिए आवाज़ उठा सकती थी, तो ऐसा क्यों नहीं किया? जब 14 साल तक दोनों साथ में रहे, तीनों साथ में रहे, तब जाके दोनों पत्नियां जो है अपने अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। अब ये मजाक है, कंट्रोवर्सी है, डॉलर छापने की जरिया बना हुआ है कि क्या है, मैं उस मुद्दे पे मैं अंदर तक नहीं जा रही हूँ, मगर जो सोशल मीडिया पे दिखाया जाएगा उस मुद्दे पे मुझे बात करना जरूरी है। तो यहाँ पे आपको ये भी पॉइंट नोट करना पड़ेगा कि अब दोनों का बच्चे जो है बड़े बड़े हो गए, दोनों का बच्चे बड़े बड़े हो गए। जब तक दोनों के बच्चे छोटे छोटे थे तब तक दोनों जो है प्यार मोहब्बत से रह रहे थे, दोनों को कभी भी किसी से कोई दिक्कत नहीं था। हाँ यहाँ पे पिंकी ने गलत किया था, पिंकी का गलती यह है कि विकास जी को, विकास जी के बारे में सब कुछ जानते हुए भी पिंकी ने शादी किया। क्या पिंकी अमीर लड़का के वजह से शादी किया? क्या विकास जी का बैकग्राउंड सच में बहुत ज़्यादा अमीरी वाला है? क्योंकि शकल सूरत तो ऐसा कुछ खास नहीं है कि इनसे लड़कियां पट जाए, मगर पिंकी सुंदर है। तो पिंकी शादी किया,
पिंकी सब कुछ विकास जी के बारे में जानती थी कि ये जिस इंसान से मेरी शादी होने वाली है वो आदमी ऑलरेडी शादीशुदा है। इस आदमी का पहले से 2 बच्चे हैं। इसकी बीवी जिंदा है, इन्हें की इस दुनिया में नहीं, इसकी बीवी भी जिंदा है। तो बीवी बच्चे को होते हुए भी पिंकी ने विकास जी से फिर भी शादी रचाया, तो उसको कोई चीज़ का एतराज नहीं था। पिंकी ने एक्सेप्ट किया था कि मुझे कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है, मैं विकास जी के साथ शादी करूंगी, क्योंकि पिंकी को प्यार हो गया था विकास जी से। तो बोलते हैं ना कि प्यार ऐसा एक चीज़ है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, हमारे आने वाला फ्यूचर कैसा होगा, हमारा भविष्य कैसा होगा, वो कुछ भी नहीं दिखता है। तभी बोलते हैं प्यार अंधा होता है। मगर अब जाके दोनों का बच्चे बड़े हो गए हैं, दोनों का बच्चे समझदार हो गए हैं, 14 साल 13 साल के बच्चे दोनों को हो गए हैं। तो अब जाके सोनू जो है क्यों अलग कर रही है विकास को पिंकी से, क्यों अलग कर रही है। और यहाँ पे आपको एक पॉइंट और भी नोट करिए, उस माँ का बेटा अपनी बहू को छोड़ के, अपनी पहली पत्नी को छोड़ के दूसरी शादी करता है, दूसरा बहू लेके आता है। तो उस टाइम उस माँ बाप को कोई एतराज नहीं हुआ, तो शादी के 14 साल बाद उस माँ को फिर क्यों एतराज हो रही है, क्यों? अब मैं बताती हूँ ये सारी चीज़ों के पीछे का रीजन क्या है। प्रॉपर्टी है इस इन सभी चीज़ों का फसाद या जड़ या मुद्दा। क्योंकि कल जो है पिंकी एक वीडियो डाली थी, 2 वीडियो डाली थी 4-4 मिनट का, जिसमें पिंकी ने बोला मुझे अपने बच्चे के लिए हक चाहिए। और वैसे भी पिंकी जो है विकास को अपने साथ ही रखती है, एनी वे एनी टाइम सोनू के पास जाने नहीं देती है विकास को। और अगर विकास जी सोनू के पास जाते भी हैं तो पीछे पीछे ये भी चली जाती है। मैंने कई ऐसी वीडियो देखा, सोनू और विकास अगर दोनों बेड पे लेटेंगे तो बीच में पिंकी घुसने की कोशिश करती है, दोनों को पूरी तरीके से अलग करती है। सोनू इन सभी चीज़ों को 14 साल से बर्दाश्त करते आ रही है, तो अभी भी इसको बर्दाश्त कर लेना चाहिए था। जब जवानी थी तो पिंकी ने सोनू ने बर्दाश्त कर लिया, अपनी जवानी पे कंट्रोल कर लिया, तो फिर अब बच्चे जवान हो गए तो अब पिंकी सोनू से कंट्रोल नहीं हो रहा है। ये सभी चीज़ जो है गलत है। असली मेन मुद्दा जो है प्रॉपर्टी, क्योंकि पिंकी हस्बैंड के साथ रहती थी, सोनू अपने सास ससुर के साथ रहती थी 14 साल से। सोनू जो है अपने सास ससुर का सेवा किया, पिंकी 14 साल में सिर्फ मेहमान के तरह जाती थी ससुराल में और मिल के अपने पति के साथ वापस आ जाती थी अपने फ्लैट में, अपने मकान में। तो बोलते हैं ना कि सास ससुर जो होते हैं ना, कि जो ज़्यादा उनको सेवा करेगा, उनको हर तरीके से ख्याल रखेगा या रखेगी, उसके ऊपर कोई भी माँ बाप हो उसका दिल पिघल ही जाता है। माँ बाप अपने आँखों से सोनू का तकलीफें देखी, क्योंकि कोई भी औरत ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि मेरी बहू या बेटी, उसका पति जो है दूसरे के साथ अफेयर चलाए, या पहली पत्नी जिंदा होते हुए भी दूसरी पत्नी को लेकर आए, तो कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगा कोई भी माँ बाप। उसको कहीं ना कहीं सोनू के प्रति संवेदना है, सास ससुर को, विकास जी के मम्मी पापा को। तो मुद्दा प्रॉपर्टी को है, तो कहीं ये तो नहीं हो गया है कि विकास जी के मम्मी पापा प्रॉपर्टी सोनू के बच्चे के नाम कर दिया हो। अब जाके पिंकी को पता चला
कि अब तो मेरे बच्चे के नाम का कोई है कुछ है ही नहीं। तब जाके पिंकी ने एक ड्रामा क्रिएट किया है इस तरीके से कंट्रोवर्सी, और अपना हक मांगने लगी है। तब मैं एक बात मैं पिंकी को बोलना चाहूंगी कि सोशल मीडिया पे इस तरीके से रोने से या कुछ बोलने से कोई फायदा नहीं होगा, जहां तहां और इज्जत को मिट्टी में ही मिलेगा, जहां तहां और इज्जत जो है सोशल मीडिया पे जितने भी लोग अपने घर के मुद्दे लेके आए हैं, तुम अपने घर के मुद्दे को अगर तुम सोशल मीडिया पे रखोगी तो लोग तुम्हारे ऊपर उंगली उठाएंगे, उस चीज को ऊपर बात करेंगे ही करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से तुम्हें किसी का परमिशन नहीं है सोशल मीडिया पे वीडियो डालने का या अपने मुद्दे को रखने का, तुम अपनी मन मर्जी के मालकिन हो, तो वैसे ही जब तुम अपनी जिंदगी से रिलेटेड चीजें सोशल मीडिया पे शेयर करोगी तो तुम्हारी जिंदगी के ऊपर सवाल उठेंगे। तो अगर तुम्हें प्रॉपर्टी में हक चाहिए या तुम्हारे सास ससुर तुम्हारे साथ गलत किए हैं तो सीधे तुम्हें कोर्ट जाना पड़ेगा अपने बच्चे को हक लेने के लिए। और दोस्तों, इन सभी मुद्दों का जड़ विकास जी है। इन सभी मुद्दों का जड़ जो है, असली में जड़ की फसाद जो है विकास है। दो दिन तीन दिन से बीबियां जो है एक दूसरे को धमका रही है, मैं अपने आप को खत्म कर लूं। मगर ये इंसान ऐसा है कि अभी तक विकास जी कौन सी दुनिया में जाके विकास कर रहे हैं कि उनको अभी तक कोई अता पता नहीं है। या सोनू कुछ विकास जी के ऐसी कुछ काली करतूते जान रही है, उसको धमका के उसके थ्रू पिंकी को डिवोर्स करवाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि देखो, जो औरत अपना पति 14 साल से नहीं छीन पाई, अपना पति को 14 साल शेयर किया तो अभी भी तुम शेयर कर लो। मगर यहाँ पे पति शेयर करने की मुद्दा नहीं है, यहाँ पे अब प्रॉपर्टी का खेल है। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। जाने अनजाने में अगर कुछ मैंने ज़्यादा बोल दिया है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, और कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। जाते जाते मैं बोलना चाहूँगी, सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अगर आप सावधान, सतर्क और सुरक्षित रहते हैं तो हमारे देश में होने वाला क्राइम काफ़ी हद तक कम हो सकती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।